नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, बात करेंगे आज हीरो मोटो कॉपी फिर से, और इसमें जो सीवियर पेन आज, मतलब इतना पेन आया है शेयर में, क्यों आया है इसमें चर्चा करेंगे। प्लस आज जो नया 52 वीक लो बनाया है और वहां से बाउंस बैक किया है, उसमें क्या कहना है और क्या ये गिरावट जारी रहेगी, और कल का दिन क्यों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हीरो मोटो कॉर्प के ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया था, तब भी मैंने इस बात का जिक्र किया था, वो मैं अभी रिपीट करूंगा, और क्यों हीरो मोटो कॉर्प अभी भी एक बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा अच्छा शेयर है, और वो इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म के लिए वैल्यू पिक कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ कुछ रिस्क भी जुड़े हुए हैं दोस्तों, वो क्या है, और मार्केट में अगर और सीवियर पेन आता है तो कौन से वो लेवल्स हैं जिसमें एज अ इन्वेस्टर आपकी नजर होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप हीरो मोटो कॉर्प में एक नया निवेश करने की सोच रहे हैं इन लेवल्स में, तो आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए, बहुत एजुकेशनल होने वाला है। और जो एक होता है ना, जो वैल्यू पिक, जिन्हें ये पसंद है कि वैल्यू पिक करना, एक सीवियर किसी पेन कोई सेक्टर अगर चल रहा उस वक्त, तो ये वीडियो भी आपके लिए है, अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो का आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि चैनल की ग्रोथ बहुत कम हो रही है, ठीक है, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगती हो लाइक करें, ताकि और को रिकमेंड हो। और दोस्तों, एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे आज वीडियो बनाने वाला हूं, और इससे पहले मैंने अमर राजा बैटरी के ऊपर वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने वहां शेयर किया है, तो कोई भी वीडियो ना छूटे इसलिए उसको जाके जरूर ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम चैनल को। अब सीधा शेयर प्राइस पे चलते हैं। अब देखिए गाइस, 1.67% की एक और गिरावट है ये, ठीक है, और ये गिरावट, और लोग इतना इसलिए डरे हुए हैं, पिछले 5 दिन अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो ये शेयर 2767 के आसपास था, और उसके बाद से दोस्तों इसने आज जो लो बनाया, देखिए 5.5% की फिर गिरावट हो चुकी है। देखिए गाइस, ये जो फॉल आ रहा है ना, अब ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट फॉल है, ठीक है, और आज जो इसने इतना 52 वीक लो नया बनाया ना दोस्तों, 2619, उसके बाद भी वहां से एक अच्छा बाउंस बैक किया है। आप देखिए, आज 2640 के आसपास बंद हुआ है, जो कि यही इसके आसपास का पिछले बार का 52 वीक लो इसके आसपास ही था, ठीक है। और देखिए, जो आज ये बाउंस बैक भी किया है ना, आपको मैं अगर आज दिखाऊं एक दिन का चार्ट, आप देखिए ये ओपन हुआ, फिर वहां से जिस तरह का पेन आया है, आप ये देखिए 2.5% गिरा, लेकिन 2.40% उसका जब गिरावट बंद हुआ ना दोस्तों, लगभग 0.7% ऊपर बंद हुई है। देखिए, हीरो मोटो कॉर्प में दोस्तों अब एक मतलब सिनेरियो बना जा रहा है ऑपरेटर द्वारा सेलिंग का, मतलब इतना सेलिंग प्रेशर इस शेयर में हो रहा है ना, और रिजल्ट इस बार जो हीरो मोटो कॉर्प के आए थे, वो आप अगर देखेंगे ना पिछले मेरे पिछले वीडियो देखेंगे, तो मैं बताऊंगा बाजार जो एक्सपेक्टेड का था ना, जो एक्सपेक्टेशन थी बाजार की, उससे ज्यादा अच्छा इसमें रिजल्ट आया था, ठीक है, और उसके बावजूद इतना सीवियर पेन, और जब रिजल्ट आया उसके एक दो दिन बाद ये शेयर एक जबरदस्त तेजी में भी गया, और मैं आपको बताऊं 2770 के आसपास जा करके वहां से फिर सेल ऑफ आया, ठीक है। और मैंने तब भी कहा था दोस्तों कि ये शेयर अब ना रेंज बाउंड में रहेगा, क्योंकि इस शेयर में अगर आपको स्ट्रेंथ जाननी है या ये समझना भैया कि कब इस शेयर में स्ट्रेंथ आएगी, तो जो 2800 है ना, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, जब तक ये 2800 को तोड़ करके क्लोजिंग बेसिस पे बंद नहीं होता ना दोस्तों, तब तक इसमें कोई भी स्ट्रेंथ नहीं आएगी शेयर में, ठीक है। और अभी शेयर में टेक्निकली दोस्तों वीक है, अब कोई फंडामेंटल इशू नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, जब तक नेक्स्ट मतलब जो पिछला मंथ गया है उसकी सेल्स नंबर नहीं आते दोस्तों, ठीक है, और माफ कीजिएगा पिछला मंथ नहीं, ये जो मंथ है नवंबर के सेल्स के नंबर नहीं आते हैं, ठीक है। अभी हमें ये भी देखना है अक्टूबर सेल्स के नंबर कैसे आते हैं, फिर नवंबर सेल्स के नंबर कैसे आएंगे, फिर देखिए इससे बहने वाले समय में जो गिरावट होगी या तेजी होगी वो डिसाइड होगी, बट जो अभी इसमें अचानक गिरावट आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट फॉल के कारण है दोस्तों, ठीक है। ऊपरी स्तर में 2800 और निचले स्तर में 2600, ये शेयर आपको 2600 से लेकर के 2800 के बीच ऐसे ही होवर अराउंड करते हुए दिखता रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो भाई क्या करें, देखिए दोस्तों, पहली बात आप समझिए इस शेयर में अभी रिस्क क्या है, और खास करके ऑटो सेक्टर में। देखिए, जब मार्केट फॉल हो रहा है ना,
तो ऐसी सेक्टर्स और ऐसे शेयर जो ऑलरेडी वीक थे उन्हें बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा उसे दबाया जा रहा है उस शेयर्स को, और भी फ्री फॉल किया जा रहा है। ठीक है, तो एज ए इन्वेस्टर मैं आपको एक चीज पर्सनली बता दूं पहले डिस्क्लोजर के रूप में कि मैं खुद इसे एक्यूमुलेट कर रहा हूं और मेरी पर्सनल होल्डिंग हीरो मोटोकॉर्प में है। और मुझे अगर ये शेयर दोस्तों, मैं फिर कहूंगा पहले मैं देखूंगा ये 2600 से नीचे अगर जाता है, ठीक है, और जिस दिन मार्केट फॉल होता है, जिस दिन मार्केट चल रहा है 2600 से नीचे जाता है, तो मैं इसे एक्यूमुलेट जरूर करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। मैं फिर कहूंगा एक्यूमुलेट करने की, ठीक है, क्योंकि देखिए जब बाजार में गिरावट होती है ना तो कोई भी टेक्निकल्स कुछ भी काम नहीं आते हैं दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि ये जो शेयर है ना हीरो मोटोकॉर्प, इसमें जितनी भी निगेटिव चीजें थी, जो भी कहते हैं ना इसको रॉ मटेरियल का जो एक्सपेंस था, प्लस ईवी का जो इश्यू था कि भाई ईवी लॉन्च नहीं कर रही, इसकी भी बहुत अच्छी पृष्ठभूमि या एक प्लान रखा गया है कंपनी के द्वारा। ठीक है, प्लस जो डिमांड में कमी कही जा रही थी तो इस पर डिमांड भी थोड़ी अच्छी उठती हुई दिखाई दी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और प्लस जितनी निगेटिविटी थी दोस्तों, और प्लस एक्सपोर्ट, इस बार एक्सपोर्ट में बहुत ही अच्छा मैं कहूंगा एग्रेसिव नजरिया दिखा रही कंपनी, और वो अच्छा होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं इनके नंबर्स पे भी। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा मार्केट में दोस्तों बहुत पैनिक है, और जो एफआईआईज है ना, जो एफआईआईज हैं लगातार दोस्तों वो अपना माल उठा रहे हैं यहाँ से, भारतीय बाजारों से निकाल रहे हैं। ठीक है, और यही कारण है कि भारतीय बाजार से जब पैसा जा रहा है ना तो आपको सीवर पेन दिख रहा है। ठीक है, और वो लोग जो पिछले 1-2 साल पहले इस मार्केट में आए हैं उनको लगता था कि ये जो मार्केट है मनी मेकिंग मशीन है, कि आप पैसे डाले महीने 2 महीने में आपके पैसे 30% 40% यूं ही निकल गए, बट अब मार्केट से लिक्विडिटी जा रही है दोस्तों। ठीक है, मार्केट जब लिक्विडिटी आ रही है तो शेयर अब शांत हो रहे हैं, और मैं कहूंगा यही वो मौका होता है जब एक बड़ा जो निवेशक होता है ना माल खरीदता है दोस्तों। ठीक है, और वो धीरे धीरे माल उठाता है। आप कुछ समय अचानक से आप ये न्यूज सुनेंगे कि एफआईआईज वापस आ रहे हैं मार्केट में, और मार्केट में एक जबरदस्त तेजी का माहौल बन रहा है। ठीक है, और कल या परसों आप एक डेट के बाउंस भी देखेंगे कि भाई थोड़ी सी तेजी आ रही है बाजार में, और उसका जो रिफ्लेक्शन है आपको हीरो मोटोकॉर्प में भी दिखेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो अभी बाजार का सेंटीमेंट अब जो चेंज हुआ ना दोस्तों, पहले आप सुनते होंगे भाई कि बाजार में चल रहा है क्या बाइंग ऑन डिप्स चल रहा है, और जिस तरह से पेन आ गया ना तो अब हर जगह चर्चा चल रही है दोस्तों सेल ऑन राइज, यानी ऊपरी स्तरों में बाजार में बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक निवेशक ना केवल वैल्यूएशन में ध्यान देता है, और एक अच्छी कंपनी अगर उसे एक अच्छे भाव में मिलती है तो उसे वो जरूर एक्यूमुलेट करता है दोस्तों। ठीक है, और हीरो मोटोकॉर्प ऐसी कंपनी, देखिए चैलेंजेस हैं इसके सामने, ठीक है, अभी भी चैलेंजेस हैं कि अभी जो रूरल डिमांड है ना वो अभी फुली पोटेंशियल में नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से दोस्तों इसकी जो चेन है, जो कहते हैं डीलरशिप है, वो रूरल इंडिया में डिमांड है, और कस्टमर को इंडिया के जितना अच्छा हीरो जानता है मुझे नहीं लगता कोई जानता है दोस्तों। और ये 2 व्हीलर्स में दोस्तों ना 37.1% का मार्केट शेयर रखता है इंडिया में, तो आप समझ सकते होंगे ये कितनी बड़ी और कितनी जबरदस्त कंपनी है। ठीक है, और आज निचले स्तरों से जो तेजी आई उसे ये समझ में आ रहा है कि 2600 के आसपास, यानी 2620 से लेकर के 2640, इसकी एक बहुत ही, मैं कहूंगा इसे बहुत रिस्पेक्ट देता है ये शेयर अभी इस सपोर्ट को। लेकिन बाजार में जिस तरह की आज सेल ऑफ आई है, अगर कल भी जारी रहेगी कोई टेक्निकलिटी कोई काम नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, जो बाजार में एकदम गिरावट रहेगी वो जारी रहेगी, और अगर मुझे हीरो मोटोकॉर्प दोस्तों मैं फिर कहूंगा 2500 के आसपास भी मिलेगा तो एक छोटा मोटा एक्यूमुलेशन मैं वहां भी करूंगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन याद रखिए दोस्तों रिस्क है, अभी बाजार में नया निवेश करें तो ज्यादा मत कीजिएगा अमाउंट में क्योंकि रिस्क है, लेकिन बाजार में प्रोबेबिलिटी ऐसी होती है दोस्तों अचानक से चीजें चेंज हो जाती हैं, अचानक से आप देखेंगे कि अचानक से बाजार में तेजी आ जाएगी। ठीक है, छोटा मोटा करेक्शन है फेस करके चल रहा है दोस्तों, ठीक है अच्छी बात है, बाजार थोड़ा ठंडा हो रहा है शांत हो रहा है, और जो एक अनप्रेसिडेंटेड रैली थी वो अब कम हो रही है। और हीरो मोटोकॉर्प में मैं कहूंगा दोस्तों 3% ज्यादा की डिविडेंड दे रहा है, ज्यादा इसमें गिरावट की चांसेस मुझे दिखते नहीं है, इसीलिए एक लॉन्ग टर्म अगर आपका नजरिया है, लॉन्ग टर्म यानी काफी लंबे समय का, कम से कम 2 से 3 साल का, इस शेयर को एक्यूमुलेट कीजिएगा दोस्तों। ठीक
ठीक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर पिछले 2-3 सालों में जितने बुरे फेज से गुजरा है, सब चीजें प्राइजिंग हो रही है दोस्तों। और आने वाले 1-2 साल में जब कोविड पूरी तरह जाएगा और एक फिर से एक अपमूव आएगा, उस वक्त आपको समझ में आएगा कि आपसे क्या गलतियां हुई है, ठीक है। बट मेरे हिसाब से दोस्तों, हीरो मोटोकॉर्प फॉर अ लॉन्गर टर्म इट्स अ वेरी गुड कंपनी। और 2500 तक अगर ये जाए, मुझे उतना लगता नहीं कि इसे तोड़ेगा, 2500 के आसपास भी जाए तो इसे हमें एक एकोमोडेशन करना चाहिए। लेकिन उसके लिए इसे पहले 2600 का कहूंगा मैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों। जब तक ये इसे क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ करके एक दिन सस्टेन नहीं करता, तब तक मुझे नहीं लगता 2600 का लेवल टूटेगा, क्योंकि ऑपरेटर ऐसे ही करता है दोस्तों, तोड़ करके एक दिन क्लोज करके फिर भगा देता है, ऐसा ही हुआ था TCS के साथ, ठीक है। तो ये मेरी पर्सनल राय है दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी राय पसंद आई हो, लाइक करके अप्रिशिएट कीजिएगा। चैनल में पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसे जाके जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि ऐसी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज अनबायस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन पर्पज के लिए आपको डायरेक्ट आपकी नोटिफिकेशन में मिलती रहे। दोस्तों, ये इस वीडियो का अंत है, याद रखिए। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।